हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। इकोनॉमिक्स के फोर चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो बैंक वर्ड से हम बहुत ही फेमिलियर है। बैंक का हमें जो मीनिंग पता है वो ये है कि ऐसी प्लेस जहाँ पर हम हमारे मनी को सेव कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोन ले सकते हैं, जहाँ पर हम डिपॉजिट कर सकते हैं हमारे मनी, और वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम हिस्ट्री ऑफ बैंक देखें, सो कहाँ से ये वर्ड बैंक ओरिजिनेट हुआ और कहाँ फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश हुआ, हम वो देखते हैं। सो बैंक वर्ड बेसिकली संस्कृत, फ्रेंच, इन सब से बैंक का वर्ड ओरिजिनेट हुआ। सो बेसिकली संस्कृत में जो वर्ड था वो था बांधा, जिसका मीनिंग था कलेक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब कलेक्शन ऑफ मनी। तो संस्कृत में इसका मीनिंग था कलेक्शन ऑफ मनी। सेकेंड जो ये वर्ड है वो आया हमारे इटालियन वर्ड, जहाँ पे ये था वर्ड बैंका, और फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक, और इनका भी मतलब यही था मनी एक्सचेंज, जहाँ पर मनी को एक्सचेंज किया जा सकता है। और इन सभी को देखकर जो यूएस में वर्ड बना, जो इंग्लिश में वर्ड बना, वो था बैंक। सो बेसिकली बैंक का मतलब यही हुआ, जहाँ पर हम हमारे मनी को, हमारे फंड को हम सेव कर सकते हैं, हम डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर हम लोन ले सकते हैं। अगर हम बात करें सो फर्स्ट बैंक की, सो फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1401 में इन स्पेन एज अ बैंक ऑफ बार्सिलोना। सो जैसे ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ, लोगों ने यहाँ पर अपने मनी डिपॉजिट करने स्टार्ट किया, यहाँ से फ़ंड को रेज करना स्टार्ट किया, फ़ंड एक्सचेंज करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे बैंक्स की और सर्विसेज बढ़ने लगी, और लोगों को पता चलने लगा कि यहाँ से हम खाली लोन लेना या डिपॉजिट नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर हम हमारे मनी को सेव करेंगे तो हमें वहाँ से वैल्यू मिलेगी, हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। सो वहाँ से लोगों ने अपने पैसों को सेव करना स्टार्ट किया, ताकि उनको और ज़्यादा पैसे मिले। मीनिंग ऑफ बैंक, फाइनली इतना सा पढ़ने के बाद हमारे पास एक और एग्जैजरेटेड मीनिंग आता है। अ मीनिंग अ बैंक इज़ दैट इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ बैंकिंग। अच्छा, ये तो नया ही पता चल गया कि बैंक भाई ऐसी जगह है जो हमें बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। दैट इज़, अब हम देखते हैं बैंक की क्या सर्विस है, क्या सर्विसेज है बैंक की। अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन अथराइज टू कलेक्ट द पीपल्स सेविंग और डिपॉजिट। कलेक्ट मतलब जहाँ से, बैंक ऐसी चीज़ है जहाँ जो कि लोगों के पैसे कलेक्ट कर रही है, अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन डिपॉजिटर डिमांड। लेकिन भाई उनकी एक कंडीशन है कि जब भी वो डिपॉजिटर जिसने ये पैसे दिए हैं, वो जब भी उन पैसों को मांगे, वो लायबल है उन पैसों को रिटर्न करना, राइट। सेकेंड, अ बैंक इज़ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर द प्रॉफिट विच एक्सेप्ट पीपल्स मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड पे द इंटरेस्ट। बैंक खाली पैसे लेने और देने के लिए नहीं है, ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अगर आपको लोन देगी तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, अगर वो डिपॉजिट लेगी तो सामने आपको इंटरेस्ट पे ऑफ करेगी। तो उनका सेविंग, उनकी प्रॉफिट कहाँ से आएगा भाई? अगर वो आपको लोन देगी तो वो इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा लेगी, अगर आपको वो आपसे वो डिपॉजिट लेगी, सपोज़ आपने बैंक में 1000 रुपये दिए, तो वो आपको इंटरेस्ट कितना, सपोज़ अगर 10% मिल रहा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 100। लेकिन अगर आपने लोन लिया है 1000 रुपये का, तो वो आपसे इंटरेस्ट कितना मांगेगी? 15%, दैट इज़ 150। और जो ये डिफरेंस होता है 50 का, वो होता है बैंक का प्रॉफिट। सो हमेशा जब हम लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट कम होती है, और वो जो डिफरेंस होता है वो होता है फर्म का प्रॉफिट। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, दो तरीके की बैंक्स हो सकती है, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक। अगर हम बेसिक टर्म्स में बात करें, कमर्शियल बैंक जहाँ पर हम हमारे ये डिपॉजिट और लोन लेने का काम करते हैं, जैसे हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो इतने भी सारे बैंक्स हैं वो हो गए कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो होगा हमारा सेंट्रल बैंक।
डिटेल में देखते हैं. कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ मनी. ये सारे जो फंक्शंस करती है वो हो गया कमर्शियल बैंक. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पे आते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस. सो प्राइमरी फंक्शन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. हर बैंक का प्राइमरी फंक्शन होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. इस डिपॉजिट में जनरली जो पीपल होते हैं या फर्म्स होती हैं वो अपने पैसे सेव करने के मकसद में रखते हैं. करंट अकाउंट डिपॉजिट. अब डिपॉजिट कितने टाइप के हो सकते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, और भी है फिक्स डिपॉजिट, बहुत सारे डिपॉजिट्स हो सकते हैं. यहाँ पर हम बेसिकली दो डिपॉजिट, ये है हमारे दो डिपॉजिट. तो इसमें क्या है, करंट अकाउंट डिपॉजिट का मतलब ये कि अगर एक इंडिविजुअल को कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना, उसे ई ट्रांजैक्शन करना है, तो वो क्या करते हैं, अपना सारा का सारा पैसा बैंक में डालते हैं और थ्रू क्रेडिट कार्ड्स या चेक के थ्रू वो अपने सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट. सो ऐसा अकाउंट, ऐसा डिपॉजिट जहाँ पर हम कितने भी बार ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एक दिन में, वो हो गया हमारा करंट अकाउंट डिपॉजिट. इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही मिनिमम होता है या ज़ीरो होता है. करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता, क्योंकि करंट अकाउंट जो लोग हैं वो एक ही मकसद से ओपन करवाते हैं, ताकि वो अपने ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू कर सके. नेक्स्ट इज सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट बेसिकली सेविंग के लिए ओपन किया जाता है. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए ओपन किया जाता है, ताकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें. सेविंग अकाउंट पैसों को सेव करने के लिए किया जाता है. इस पे इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट का इंटरेस्ट रेट है. और इस पे हम विड्रॉवल, दे कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट बाय यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जनरली बैंक कुछ लिमिट सेट करती है कि उतना नंबर ऑफ विड्रॉवल ही हो सकता है. रिकरिंग अकाउंट, ये भी एक तरीके का सेविंग अकाउंट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. रिकरिंग अकाउंट ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो एक बहुत बड़ा अमाउंट या फिर सेव नहीं करना चाहते, या फिर तो वो बहुत बड़ा अमाउंट सेव नहीं कर पाते, या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सेव करें, तो वो रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिसके अंदर हर महीने उन्हें एक मिनिमम अमाउंट पे करना रहता है और हर महीने उन्हें उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है. लेकिन इस अकाउंट में एक डिसएडवांटेज है कि सपोज़ आप कोई मंथ में वो डिपॉजिट नहीं करवा पाए, वो उतना अमाउंट सेव नहीं कर पाए, तो वो बैंक आप पे पेनल्टी भी चार्ज कर सकती है. फिक्स डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट. ये डिपॉजिट उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को डिपॉजिट करना चाहते हैं, और इस डिपॉजिट पे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी पे करती है. सो सेविंग अकाउंट ऐसा हो गया जहाँ पर लोग छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, यहाँ से वो विड्रॉ और डिपॉजिट इनमें बार बार कर सकते हैं. रिकरिंग अकाउंट ऐसा है कि आपको हर महीने इसमें एक मिनिमम अमाउंट सेव करनी रहेगी, लेकिन अगर आप कोई भी मंथ में सेव नहीं कर पाते तो आप पे पेनल्टी लगेगी. लास्ट कम्स फिक्स डिपॉजिट. यहाँ पर ऐसे कि आपने एक बार इसमें डिपॉजिट किया कोई भी एक अमाउंट, अब वो लॉक इन पीरियड पे रह जाएगा. सपोज़ आप बोलते हो कि 10 साल के लिए मैं ये डिपॉजिट करती हूँ, तो 10 साल तक आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते. इसीलिए, क्योंकि आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट पर ही दिया जाता है. सो ये सब हो गया हमारा प्राइमरी फैसिलिटी का. फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकेंड इज़ प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी. अब जैसा आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड भी इशू करती है बैंक्स, जिसमें आप क्रेडिट पे कोई भी चीज़ें परचेज कर सकते हो. अगर आपके बैंक में वो अमाउंट नहीं है, लेकिन फॉर्म जो बैंक है वो एक अमाउंट बताती है, सपोज़ 1 लाख और 5 लाख, कि इतना अमाउंट आप फॉर्म से क्रेडिट पे, बैंक से क्रेडिट पे ले सकते हो, और एक टाइम के बाद आपको वो सारा अमाउंट पे ऑफ करना पड़ता है. नेक्स्ट, पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटी. फॉर्म बैंक आपके बिहाफ पे, एक इंडिविजुअल के बिहाफ पे पेमेंट और विड्रॉवल भी करती है. जैसे कि अगर हमने बैंक में से ये सर्विस ले रखी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर आपका रेंट का पेमेंट है, अगर कोई अकाउंट नंबर है आपके पास, या फिर अगर आपको कोई डिविडेंड मिलना है, सो बैंक क्या करेगी, वो सारे के सारे पेमेंट जैसे ही उनकी ड्यू डेट आएगी, बैंक खुद से ही पे कर देगी. अगर आपको कोई डिविडेंड मिलना है या फिर आपको किसी से पैसे मिलने हैं, तो बैंक ऑटोमेटिकली वो पैसे
रिसीव कर लेती है। सो बैंक पेमेंट और विड्रॉवल फैसिलिटी भी देती है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए, इन सारी फैसिलिटीज़ के लिए चार्जेस अलग होते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, जैसा हमने देखा कि बैंक बैंक में हम डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे, वैसे ही हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं, उसको कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिससे हमारी इकोनॉमी में पैसे नहीं होने के बावजूद भी हमें पैसे दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए एक पर्सन है जिसके पास 100 रुपीज़ है, उसने ये 100 रुपीज़ बैंक को दिए और बैंक ने क्या किया, ये 100 रुपीज़ बी को लोन दिए, क्रेडिट पे दिए। सो अगर अभी देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी में कितने पैसे हैं, ये हो गई बैंक, ये हो गया ए और ये हो गया बी। सो ए से अगर पूछा जाएगा तो ए क्या बोलेगा कि अभी उसके पास 100 रुपीज़ है, भले ही बैंक में पड़े हैं लेकिन है तो सही, किसके पैसे हैं, वो ए के। बैंक को देखा जाए तो बैंक क्या बोलेगी कि भाई मेरे पास भी 100 रुपीज़ है, भले ही उसने वो बी को दे दिए लेकिन है तो बैंक के पास, किसके पैसे हैं, वो बैंक के। बी से पूछा जाए तो बी क्या बोलेगा कि मेरे पास भी 100 रुपीज़ है। सो अगर एक पर्सन आके इन तीनों से पूछे कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, तो तीनों क्या बोलेंगे, हमारे पास 100 है। बैंक के पास कैसे 100 है, क्योंकि अभी कोई भी इनसे पैसे लेने आएगा, बी को, बी इनको देगा और बैंक अगेन किसी को लोन पे दे सकती है। सो यहाँ पे खाली जो 100 रुपीज़ थे वो कितने बन गए इकोनॉमी में, 300, राइट। सो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन। बैंक हमें क्रेडिट क्रिएशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बैंक को जितना भी डिपॉजिट मिलता है, किसी ने भी अगर बैंक में आकर डिपॉजिट किया तो बैंक वो पूरा का पूरा डिपॉजिट एज अ लोन नहीं दे सकता। जैसे इस एग्जांपल में ए ने 100 रुपीज़ दिए बैंक को, बैंक पूरा का पूरा 100 रुपीज़ बी को नहीं दे सकता, ये गवर्नमेंट के थ्रू टर्म्स है। हमेशा बैंक को कुछ ना कुछ रेशियो खुद के पास रखना पड़ता है और वो रेशियो गवर्नमेंट ही बताती है, उसे बोलते हैं रिजर्व रेशियो। अभी इस एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास 20% इज़ द रेशियो। जैसे पर्सन ए है, यहाँ पर बैंक है, बैंक ए बी सी, बैंक को डिपॉजिट मिला 1000, बैंक को क्या बोला गया कि आपको 20% रिजर्व रखना है, तो बैंक कितना लेंड कर सकती है, कितना लोन पे दे सकती है, 800। बैंक बी के पास अब 100 है एज अ डिपॉजिट, बैंक बी कितना लोन दे सकती है, 20 माइनस करके 640। सो इस तरीके से बैंक हमेशा 20% खुद के पास रखेगी और जितना बचा कुचा रहेगा उतना ही रिजर्व दे सकती है। इस रेशियो को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंक कोई इंडिविजुअल को तो पैसे देती ही है, साथ ही साथ बैंक आपस में भी डील कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ए और बैंक बी, कोई बैंक बी से लोन लेने आया लेकिन बैंक बी के पास उतने रुपए नहीं थे, तो बैंक बी क्या करेगी, बैंक ए से लोन ले सकती है, राइट। सो इन ट्रांजैक्शन को, जब दो बैंक आपस में लोन लेना और देने का काम करती है, उसे बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और जब वो लोन मंगवाती है उसे बोला जाता है कॉल मनी। कॉल मनी क्यों बोला गया, क्योंकि बैंक बी ने ए से कॉल किया कि उसको रुपए चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इसीलिए दैट विल बी कंसीडर्ड एज कॉल मनी। और बैंक बी अब क्योंकि लोन ले रही है बैंक ए से, इसीलिए बैंक बी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कॉल मनी रेट। सो ये हो गए हमारे प्राइमरी फंक्शंस। यहाँ तक आप इसको करो, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी और अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक।